तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं नल दमयंती ताल। आपको इसके दर्शन कराता हूं, चलिए मेरे साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस झील का नाम राजा नल और रानी दमयंती के नाम पर पड़ा था। क्या किसी समय इस ताल से पूरे गांव की सिंचाई की जाती थी। क्या बात कर रहे हैं? तो चलो दोस्तों, आपको नल दमयंती ताल की सैर कराता हूँ, चलिए मेरे संग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के कठोर दिनों में नल दमयंती इस ताल के समीप निवास करते थे। तो दोस्तों, यह है नल दमयंती ताल मेरे पीछे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित नल दमयंती झील है। यह भीमताल से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कभी कभी कटी हुई मछलियों के अंग दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के कठोर दिनों में नल दमयंती इस ताल के समीप निवास करते थे। जिन मछलियों को उन्होंने काट कर कढ़ाई में डाला था, वो भी उड़ गई थी। इसलिए कहते हैं कि इस ताल में वही कटी हुई मछलियां दिखाई देती हैं। अच्छा, तो दोस्तों यह है नल दमयंती ताल जो कि सातल के ही बगल में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ना बड़ी बड़ी मछलियां दिख जाएंगी। ये देखिए कितनी सुंदर ताल है। सात तालों के एक झील में शामिल नल दमयंती ताल के किनारे स्थित शिव मंदिर की बड़ी मान्यता है। श्रावण के महीने में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से लोग पूजा के लिए यहाँ पे आते हैं। मंदिर की ख्याति इतनी फैली हुई है कि क्षेत्र में किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व नल दमयंती मंदिर के देवी देवताओं को अवश्य याद दिलाया जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों में भोले की विशेष कृपा है। इस तरफ भी शिव जी की दीवार बनी हुई है और उस तरफ भी। का कदम कदम पे हमको डोलना, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम पे तुम थे, फिर उसका कदम कदम पे दिल का टोल। ये देखिए, ये बैराज है और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है जब ये बरसात में भर जाता है। तो देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ पे आपको मछलियाँ काफ़ी दिखाई देंगी, कहीं से भी। कहते हैं नल दमयंती ताल की महत्ता का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। द्वापर युग में राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से हराकर उनका राज्य ले लिया था। राजा नल को पत्नी दमयंती के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। वनवास की अवधि में उन्होंने अधिकांश समय इसी स्थान में बिताया था। यहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर भी है जहाँ ना जाने कब से पूजा अर्चना होते आ रही है। नल दमयंती ताल पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हल्द्वानी या काठगोदाम उतरना होगा। वहां से बस या टैक्सी लेकर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ये फुल व्यू है इसका और ताल छोटी है लेकिन अच्छी ताल है, थोड़ा साफ भी कर रखी है आजकल। और मछलियाँ देख के मुझे मज़ा आ गया। ये देखिए मछली, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। चार कदम पे हम थे, तो चार कदम पे तुम थे, लेकिन ये। अब मुझे गाना याद नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पौराणिक मछलियाँ हैं, मतलब ये काफ़ी प्राचीन काल से मछलियाँ रही होंगी यहाँ पे। और लिखा हुआ है कि इनको न छुएं। ये देखो लिखा हुआ है, नल दमयंती झील को स्वच्छ रखें। दोस्तों यह है शिशोणा जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दोस्तों जो ये शिशोणा है ना, ये बहुत ही, मतलब इसके पत्ते जो होते हैं ना कटीले होते हैं और चुप जाते हैं तो बड़ी दिक्कत करते हैं ये। भाई मज़ा आया।